फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, शॉप नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। यूपी बोर्ड के 72 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा निरस्त हो गई थी, जिनकी तारीख और शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार सख्ती के चलते अब तक 4,64,606 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है। वहीं इंटरमीडिएट का फिजिक्स का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 67 परीक्षा केंद्रों पर फिजिक्स और इंग्लिश का पेपर कैंसिल कर दिए गए थे, जो अब दोबारा 12 मार्च को होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि प्रयागराज के कुछ केंद्रों पर अंग्रेजी के पेपर में नकल के आरोप में परीक्षा कैंसिल की गई थी। वहीं अलीगढ़ व गाजीपुर के कुछ केंद्रों पर भी विज्ञान के पेपर में चोरी, पेपर लीक और नकल के कारण कैंसिल कर दिए गए थे। इन पेपरों का आयोजन 12 मार्च को दोबारा होगा। यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने एक आधिकारिक सूचना जारी करते हुए बताया कि परीक्षाओं की तारीख और शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं, जो कैंसिल कर दिए गए थे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv।